बिलासपुर शहर में ठगी का मामला थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। ठगी के मामले में एससीसीयू बिलासपुर और तोरवा पुलिस की बड़ी कार्रवाई। ठगी के रैकेट चलाने वाले 4 आरोपी गिरफ्तार। मामले में ठगी की गई रकम भी बरामद। वहीं घटना में प्रयुक्त 1 लैपटॉप, 4 मोबाइल, 6 विभिन्न बैंकों के एटीएम कार्ड और चेक बुक जब्त किया गया। तोरवा थाना अंतर्गत साईं धाम कॉलोनी में रहने वाले प्रार्थी अमलेश लहरी ने तोरवा थाने में प्रथम सूचना पत्र दर्ज कराया कि उसके साथ कमीशन में अधिकतम राशि का प्रलोभन देकर एसीएमई मॉल कंपनी में पैसे लगाकर अधिकतम पैसे प्राप्त करने का लालच देकर 21,53,000 रुपए की ठगी कर ली गई है। ठगी के अज्ञात आरोपियों द्वारा प्रार्थी के मोबाइल पर टेलीग्राम ऐप के जरिए लिंक भेजा गया और मेंटोर रामा ऐप डाउनलोड कराकर कमीशन का लालच देकर उस रकम की ठगी कर ली गई और 2 करोड़ रुपए देने का झांसा देकर और 10 लाख रुपए की मांग की जा रही थी। ठगी का एहसास होते ही प्रार्थी द्वारा थाना तोरवा में धारा 420 पंजीबद्ध किया गया। प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए एसएसपी पारुल माथुर ने आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी का निर्देश दिया। इसी दौरान एसीसीयू बिलासपुर के तकनीकी टीम द्वारा तकनीकी साक्ष्य एकत्र किए गए और थाना तोरवा के द्वारा ठगी किए गए रकम के खाता धारक आरोपियों की जानकारी एकत्र की गई। मामले के आरोपियों की पहचान होने पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक पारुल माथुर द्वारा 10 सदस्यीय टीम गठित कर राजस्थान रवाना किया गया, जहां पर तकनीकी साक्ष्य और फील्ड वर्क के आधार पर टीम द्वारा राजस्थान में 5 दिन कैंप लगाकर अलग अलग स्थानों में 4 आरोपियों की गिरफ्तारी की गई। आरोपियों से ठगी में प्रयुक्त उपकरण और नकदी जब्त की गई और ठगी की राशि को बैंक खाते में फीज और होल्ड कराया गया। प्रकरण के गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ कर 2 अन्य आरोपी जितेंद्र तेजवानी निवासी भिनय राजस्थान और पंकज निवासी दिल्ली की संलिप्तता बताई गई है, जिनकी पता तलाश कर गिरफ्तारी की जाएगी। इस प्रकरण में गिरफ्तार आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में प्रस्तुत किया जा रहा है। पकड़े गए ये लोग काफी शातिर और बदमाश हैं। इनका काम मौका पाकर घटना को अंजाम देना रहता है। यही कारण है कि पहले इन लोगों ने रैकी की, इसके बाद मौके का फायदा उठाकर झांसा दिया जिसमें लाखों का गेम खेल दिया और इसके बाद बाहर राज्य में जाकर ठगी करने के लिए और भी ग्राहक की तलाश कर रहे थे। फिलहाल पकड़े गए आरोपी अब जेल की रोटियां तोड़ेंगे। बिलासपुर से रिपोर्टर राकेश खरे, सवितर की न्यूज, सच की आवाज। तोरवा थाने में प्रार्थी द्वारा कंप्लेंट कराई गई थी कि उसके द्वारा एक ऐप, एक टेलीग्राम के लिंक के माध्यम से डाउनलोड किया गया था। मीटियर रामा के, मेंटर रामा के नाम से ये ऐप था। इसमें इसको अलग अलग तरह की परचेजिंग करनी थी और जिससे उसके पॉइंट्स एक्यूमुलेट होते जाते हैं। और कंपनी वालों के द्वारा इसको बताया गया था कि जैसे ही आपके कुछ 20 लाख रुपये की खरीदी के पॉइंट्स एक्यूमुलेट होंगे तो आपको 2 करोड़ रुपये मिलेंगे। इसी झांसे में आके ये अपने लगभग जितना भी इसके बैंक में पैसा था सब कुछ गंवा चुका था। और जब फाइनली जब 2 करोड़ रुपये लेने की बात हुई तो इसने संपर्क किया तो तब उनके द्वारा बोला गया कि 2 करोड़ क्लेम करने के लिए आपको 10 लाख रुपए और जमा करने पड़ेंगे क्योंकि 5% कुछ टैक्स लगता है। तब इसे कुछ शक हुआ कि मेरे साथ शायद ठगी हो गई है, तब इसने आके पुलिस में कंप्लेंट करी। इसके जो ट्रांजैक्शंस हुए थे ऑनलाइन उसके ट्रैकिंग करते हुए टेक्निकल टीम और तोरबा के जो पुलिस है उसको राजस्थान के कुछ लोकेशंस की जानकारी मिली जहां ये बैंक अकाउंट्स और मोबाइल नंबर्स का उपयोग हो रहा था। पुलिस की टीम को राजस्थान के अलग अलग स्थानों से 4 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता मिली है जो कि इस स्कैम को अंजाम दे रहे थे। इनसे 2 लाख रुपए कैश, लैपटॉप्स, मोबाइल्स जब्त किए गए हैं और इनके विभिन्न खातों में करीब 20 लाख रुपए को होल्ड और फ्रीज भी कराया गया है जिससे कि लगभग ठगी का पूरा जो अमाउंट है 21 लाख रुपए का वो रिकवरी किया जा सकेगा। इसमें बहुत अधिक सतर्कता की आवश्यकता है क्योंकि इस टाइप का जो प्रलोभन के माध्यम से शॉर्ट न्यूड वीडियोस बनाए जा रहे हैं और फिर उसके बाद व्यक्तियों को ब्लैकमेल किया जा रहा है कि आपके ये जो वीडियोस हैं ये सर्कुलेट किए जाएंगे आपके फैमिली मेंबर्स में या आपके वर्क प्लेस में। तो इस तरह के जो भी वीडियो कॉल्स आ रहे हैं, एक तो किसी भी अननोन नंबर से वीडियो कॉल बिल्कुल भी ना उठाएं क्योंकि अननोन नंबर से अगर कोई वीडियो कॉल कर रहा है तो वो आपके वीडियो कॉल उठाते ही इस तरह का एक स्क्रीनशॉट ले लेते हैं या 2-3 सेकंड का भी जो वीडियो बन जाता है वो फिर आपके लिए बहुत घातक साबित हो सकता है। तो इसमें सबसे बड़ा प्रिवेंशन ये है कि अननोन नंबर से या फिर अगर कोई इंटरनेशनल टाइप के नंबर्स हैं जो कि अनरिकग्नाइज्ड कॉलर्स के नंबर्स होते हैं उसे कभी भी वीडियो कॉल ना उठाएं। और अगर आप किसी भी तरह के इसके शिकार हो गए हैं तो भी तत्काल पुलिस को सूचना आवश्यक।